सबसे कठिन माने जाने वाले मैथ और इकोनॉमिक्स का पेपर देकर राहत महसूस कर रहे सीबीएसई छात्रों को एक बार फिर से इन दोनों विषयों के लिए परीक्षा हॉल में बैठना होगा। सीबीएसई बोर्ड ने पेपर लीक होने की खबरों के बीच 10वीं के मैथ और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर दोबारा कराने का फैसला किया है। जो भी आज छात्रों का पेपर, उसका टाइम टेबल भी जल्दी घोषित करेगी सीबीएसई और एक 12वीं का इकोनॉमिक्स का और 10वीं का गणित का दो पेपर रीशेड्यूल किए हैं, तो ये छात्रों को कितनी परेशानी होती है ये मैं समझ सकता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी, लेकिन मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो नया एक चोरी का प्रकार है या लीक करने का जो नया तरीका है, पुलिस भी जांच करेगी, लेकिन हम तकनीक के सहारे उसको ऐसा पुख्ता बनाएंगे कि कोई इसका लीक नहीं होगा। आप शांति से अध्ययन करिए और विश्वास से परीक्षा दीजिए, किसी पर भी अन्याय नहीं होगा, ये हम देखेंगे। 10वीं का मैथ का पेपर जहां आज ही यानी 28 मार्च को हुआ, लेकिन पेपर लीक होने की खबर के बाद इसे रद्द कर दिया गया। वहीं सोमवार को हुए 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर भी रद्द कर दिया गया। हालांकि सोमवार को जब इकोनॉमिक्स के पेपर लीक की खबरें आई थी तो सीबीएसई ने पेपर लीक की खबर गलत बताते हुए जांच की बात कही थी। पेपर लीक मामले में एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छात्रों और उनके पेरेंट्स को आश्वासन देते हुए कहा, हम बाकी विषयों की परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे जिससे कि पेपर लीक न हो। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम स्थापित की है और वो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। व्हाट्सएप से जहां जहां भी ढूंढना था वो कर रहे हैं, बाकी भी कार्रवाई कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो भी ये गुनाह कर रहे हैं या कोई गैंग ऑपरेट कर रही है तो उसको पकड़ा जाएगा और उनको कड़ाई से सजा होगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। और हमने सीबीएसई ने तय किया है कि सोमवार से जो परीक्षा होगी वहाँ बहुत ज़्यादा नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर्स छात्रों को मिलेंगे, ताकि लीक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो उपाय कर रहे हैं और सोमवार से जो परीक्षा का चरण शुरू होगा उसमें ये लीक की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा हमें आज विश्वास है। सीबीएसई बोर्ड जल्द इन परीक्षाओं का आयोजन करेगा। अगले हफ्ते तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने सीबीएसई की शिकायत पर पेपर लीक मामले में FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।